हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेडिका रिव्यू। सो गाइज, बात करेंगे आज शाहिद कपूर की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। गाइज रिलीज हो चुकी है और अमित जोशी और आराधना शाह के निर्देशन में बनी 2 घंटा 23 मिनट की ये मूवी आपको गाइज बांधे रखती है या नहीं, वॉच इट है या नहीं। सो गाइज पूरा रिव्यू करेंगे इस मूवी का, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। इस फिल्म में बेसिकली रोबोटिक वर्ल्ड और उसके एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है। ऐसी फिल्में हमने पहले भी देखी है लेकिन ये उससे थोड़ी हटके निकलती है गाइस, और वही कुछ डायरेक्टर ने हमें बताने की कोशिश की है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी को, इसकी बेसिक स्टोरी को जानते हैं। तो कहानी कुछ वैसे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसको दिखाने का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शानदार है। सो यार, इसमें दिखाया गया है यार रोबोट के भी इमोशन हो सकते हैं, लेकिन साथ ही उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यार मशीन तो मशीन है। और इस फिल्म के अंदर मशीन और इंसान के बीच बनते रिश्ते को दिखाया गया है। ये फिल्म इंसान और मशीन के बीच गहराई जो गाइज रिश्ते होते हैं उनको बताती है और आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर सकती है। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ वैसी ही फीलिंग्स हमें हमारे सामने रखती है जैसा कि हमने रजनीकांत की रोबोट मूवी देखी थी, उसमें भी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा थे और फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा थी। एक रोबोट को एक्ट्रेस से प्यार हो जाता है, ठीक वैसा ही आपको इस मूवी के अंदर भी दिखाई देगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि इस मूवी के अंदर जो रोबोट होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया हुआ होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस मूवी के अंदर यार पूरी तरीके से हाई टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। सो यार, टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बातों को और फीलिंग्स को बीच ये मूवी किस तरह बैलेंस करती है, इसके लिए भाई साहब आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। सो यार, अब बात करते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो यार यहाँ पर शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई साहब, उन्होंने दमदार एक्टिंग हमारे सामने पेश की है। सो यार, शाहिद कपूर इस फिल्म के अंदर रोबोटिक इंजीनियर आर्यन अग्निहोत्री का कैरेक्टर प्ले किया है। वहीं अगर कीर्ति सेनन का की बात करें तो उन्होंने एक एआई सिपरा का कैरेक्टर प्ले किया है। और स्पेशली यार कीर्ति सेनन ने भाई साहब अपनी एक्टिंग से यहाँ पर सबका दिल जीत लेती है। जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग के एक्सप्रेशन दिए हैं एज ए रोबोटिक कैरेक्टर के अंदर, जिस तरह से गहराई से उन्होंने उस कैरेक्टर को यार प्ले किया है, अप्रिशिएट तो बनता है उनके लिए। दोनों की केमिस्ट्री यार फिल्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा लाजवाब निकल के आती है। स्पेशली कीर्ति सेनन और भाई साहब शाहिद कपूर की ये पहली ही मूवी थी और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा इस मूवी के अंदर दिखाया है, लगता ही नहीं है कि दोनों की साथ में पहली फिल्म है। ऐसा लगता है मानो इन्होंने ढेर सारी फिल्में साथ में की हुई है। सो यार, शाहिद कपूर तो हैंडसम एंड हंक है ही बॉलीवुड के, लेकिन इस समय कीर्ति सेनन भी बॉलीवुड दीवा से कुछ कम नहीं है। सो यार, इनकी केमिस्ट्री ही इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। जिस तरह से इनके आपस के सीन्स जो एक तरह से एक दूसरे के साथ जिस तरह फिल्माए गए हैं भाई साहब, देखते ही आपके दिल को जीत लेते हैं। रोमांस हो, लव हो, इमोशन हो, हर एक सीन में दोनों ने अपनी 100% एक्टिंग का नज़ारा पेश किया है। साथ ही कलाकारों की बात करें तो धर्मेंद्र शाहिद के दादा बने हैं और उन्होंने अपने कैरेक्टर से भाई साहब एक बार फिल्म के अंदर जान डाल दी है। वहीं बात करें डिम्पल कपाड़िया जो कि शाहिद की मौसी के कैरेक्टर में नज़र आई है, भाई साहब उन्होंने एक सुपर जॉब डन किया है। यहाँ पर पूरी तरीके से यार उन्होंने खतरनाक परफॉर्मेंस दी है। छोटा रोल है लेकिन बहुत लाजवाब रोल है। और भी है, आशीष विद्यार्थी है, तो जितना भी सपोर्टिंग कास्ट है उस तरह से यार फिल्म के हर एक बंदे ने अच्छी खासी एक्टिंग की है। और भाई साहब फिल्म के अंदर एक सरप्राइज पैकेज जाह्नवी कपूर बन के आती है, उनका इस फिल्म के अंदर एक कैमियो हमें देखने को मिलता है जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन फिल्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा कहा जाएगा उसको। सो यार, अगर ओवरऑल बात की जाए फिल्म की तो भाई साहब फिल्म को वेल मेड बनाया है डायरेक्टर अमित जोशी और आराधना शाह ने, उनका डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है इसमें देखने को मिलता है। कुछ एक सीन पर हमें लगता है कि अगर ये फिल्म के अंदर नहीं होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यार, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हल्के सा कहीं ना कहीं बोरियत फील होगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मूवी टाइट है और स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। इस वजह से मूवी आपको इतना ज़्यादा बोर नहीं करती है। और हाँ, एक के बाद एक दूसरे सीन्स के लिए रोमांचित आप होते रहोगे जब फिल्म देखोगे। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो लोग मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था तो उस टाइम पब्लिक इतनी नहीं थी, शो को लेकर ऑक्यूपेंसी इतनी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन हाँ फिल्म को जितने लोग देख रहे थे एंजॉय कर रहे थे और
हर कोई एक्टिव था, वरना बहुत सारी फिल्में देखने के बाद सो जाते हैं या उठ के चले जाते हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला थिएटर के अंदर। सो कहीं ना कहीं फिल्म को लेके यार एक पॉजिटिव वाइब आई वहाँ पर भी। सो यार फिल्म की ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम थी, इसका एडवांस बुकिंग भी काफ़ी कम था, लेकिन हाँ पिकअप करेगी ये शोज, और कहीं ना कहीं ये मूवी वैलेंटाइन के मौके पर आ रही है, उस हिसाब से भाई साहब ये मूवी ग्रोथ तो करनी चाहिए, इसके अंदर पोटेंशियल तो है। अब लोगों के साथ ये मूवी क्लिक कर पाती है या नहीं, ये तो अब आप लोगों के हाथ में है। फिल्म के अंदर जिस तरह से भरपूर लव, रोमांस और इमोशन दिखाया गया है, उसकी वजह से आप पूरी फिल्म से यार जुड़े रहोगे। सो यार मैं तो कहना चाहूँगा शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन ने लाजवाब एक्टिंग की है, और एक अलग सिनेमा और एक अलग तरह की कहानी हमें देखने को मिली है इस मूवी के लिए। तो भाई साहब मूवी को सपोर्ट करना चाहिए और वन टाइम वॉच तो मूवी डेफिनेटली है। सो गाइज मेडी का रिव्यू कहता है आपको कि आप बिल्कुल इस मूवी को बेझिझक देखने जाइए, आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगी। अगर रेटिंग की बात करें इस मूवी के लिए तो दोस्तों इस मूवी को मेडी का रिव्यू देता है 3.5 out of 5 star। सो गाइस अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है और अगर देख लिया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और रिव्यू कैसा लगा वो भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।